वेलकम टू माई चैनल कुक विद कॉलिन। सो आज हम बनाने वाले हैं इडलीज। जो इडली मैं बना रही हूँ वो है रेडीमेड इडलीज। अगर आपको घर वाली चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप। इडलीज रेडीमेड बनाने के लिए हमें चाहिए इडली मिक्स। जो इडली मिक्स मैंने लिया है वो लिया है रवा इडली का। इस कंपनी का नाम है GM फूड्स, जिस कंपनी का मैंने लिया है। आप लोगों को इस कंपनी का लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। MTR का भी बाज़ार में आता है और किसी कंपनी का भी आता है, आपको जो लेना है वो लीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार पलट के दिखा देती हूँ। वैसे इसके साथ सांभर मसाला भी आता है फ्री, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी चॉइस है लेने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुकिंग डायरेक्शंस में सिर्फ 3 ईजी स्टेप्स रेसिपी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमें क्या लेना है, कितना लेना है। मैंने कम्प्लीटली इसी के अकॉर्डिंग किया है जो भी किया है, तो इसको फॉलो करते हुए मैंने एक बर्तन में चीज़ें डालकर और उनको मिक्स कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, उसको हमें रेस्ट भी कराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन में ये प्रीमिक्स डालकर और इसमें जो भी चीज़ें डालनी थी वो डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको सेट करने के लिए जितने टाइम छोड़ना होता है वो रख दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पर लिया है इडली बनाने वाले बर्तन में पानी। नीचे पानी लेंगे जिससे ऑब्वियसली स्टीम आएगी ऊपर और इडली बनेगी। जो पुराना इडली बनाने वाला बर्तन आता था ये वो नहीं है, आजकल ये मॉडर्न बर्तन आने लगा है। मैंने उसमें यहाँ पर रेडी किया है, पानी उबलने के लिए छोड़ा है। अब मैंने इस ट्रे को पहले ग्रीस कर लिया था ऑयल से, घी से, जिससे भी आप करना चाहें कर लें, और उसके अंदर करीबन 1.5 चम्मच जितना बैटर डाल दें, 1.5 से 2 चम्मच, ज़्यादा बैटर नहीं डालें क्योंकि ज़्यादा बैटर डालने से ये अच्छे से नहीं पकेगी, अंदर से गिलगिली रह जाएगी जिससे कि ऑब्वियसली वो कच्ची रह जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी, पकेगी ही नहीं। तो कम बैटर डालें और अच्छे से ये पक जाएगी। ग्रीस करना बिल्कुल ना भूलें, कम ग्रीस करते हैं तो इडली उतारते टाइम हमें दिक्कत आएगी, तो ग्रीसिंग भी अच्छे से करनी है। मैंने यहाँ पर सारे के सारी इडली मिक्स को इसमें डालकर रेडी कर लिया है। अब मैंने इस ट्रे को इस बर्तन में रख दिया है। इसके ऊपर एक और ट्रे आएगी, उस ट्रे को भी इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों ट्रेज को इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ इसको कवर करना है और इसको पकने के लिए छोड़ना है। मैंने इसे 15 से 20 मिनट पकाया है। अगर फिर भी आप चेक करके देख लीजिएगा नहीं पकता है तो आप फिर दोबारा से इसे 2 से 3 मिनट और पका सकते हैं, या फिर पकाने का टाइम एक और चीज़ पर डिपेंड करता है जो कि आपका पैकेट। जिस भी कंपनी का आप ले रहे हैं उसके पीछे ज़रूर देख लीजिएगा पकाने का टाइम क्या है। तो मैंने इसे करीबन 17 से 18 मिनट पकाया था और अब इसे मैं खोल कर देख रही हूँ तो ये बिल्कुल पक चुकी है। एक नाइफ से आपको इसके अंदर डालना है और चेक करना है कि वो गीला बाहर आता है या सूखा बाहर आता है। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ट्रे को हटाकर अब हम इसे एक चम्मच से आराम से डीमोल्ड करेंगे, क्योंकि अगर ये कटती है या नीचे से चिपकी रह जाती है तो ऑब्वियसली वो अजीब सी दिखती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी ग्रीसिंग में, तो काफ़ी टूट गई हैं, पर काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं, 2-3 टूटी हैं, बाकी ठीक हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये देखिए आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं इजीली, कितने अच्छे से ये अंदर से फूली हुई है, कितनी स्पंजी है ये, आप ये भी देख सकते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आपको सांभर की रेसिपी भी मेरे चैनल पर जल्द ही देखने को मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।